ओम शांति। 26/9/2022 यानी 26 सितंबर 2022 की प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा, मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, रूहानी बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो। तुम गायन लायक बनते हो, लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते हो। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मैं जो यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा हूँ, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की रक्षा तुम ब्राह्मणों को करनी है। तुम ब्राह्मण बच्चे गायन के लायक तो बनते हो, तुम ब्राह्मण बच्चे पवित्र तो बन जाते हो, लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते हो, क्योंकि तुम ब्राह्मण बच्चे पवित्र भले हो, लेकिन तुम शरीरधारी हो, इसलिए तुम ब्राह्मण बच्चे अपनी पूजा नहीं करा सकते हो। अपनी पूजा केवल परमपिता परमात्मा ही करा सकता है। प्रश्न है, तुम बच्चों में जब एक ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी तो उस समय की स्थिति क्या होगी? आज का प्रश्न है कि जब तुम ब्राह्मण बच्चों में एक ज्ञान संपूर्ण तरीके से आ जाएगा, जब तुम ब्राह्मण बच्चों में संपूर्ण एक ज्ञान हो जाएगा, तो उस समय तुम ब्राह्मण बच्चों की स्थिति क्या होगी? उत्तर है, जब तुम बच्चों में संपूर्ण एक ज्ञान हो जाएगा, उस समय तुम्हारी स्थिति अचल और अडोल होगी। किसी भी प्रकार के माया के तूफान तुमको हिला नहीं सकेंगे। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अभी तक की पूरी पराकाष्ठा ना होने के कारण, अभी तक तुम ब्राह्मण बच्चों में संपूर्ण एक ज्ञान ना होने के कारण माया के तूफान और स्वप्न आदि आते हैं। यह युद्ध का मैदान है, इसलिए नई नई आशाएं प्रकट हो जाएंगी, परंतु तुम्हें इन युद्ध से, इन माया से डरना नहीं है। बाप से श्रीमत लेकर के आगे बढ़ते रहना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं, अब उनके अर्थ में टिकना है। लक्ष्य को पकड़ लिया है कि अभी हम बेहद के बाप से बेहद का बरसा ले रहे हैं, जिसको हम आधा कल्प से याद किया है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम गाना गीत तो बहुत सुने हो, लेकिन अब तुमको उसके अर्थ को समझना है। अब गीत नहीं सुनना है, गीत के अर्थ को समझना है। तुम बच्चे अब अपने लक्ष्य को पकड़ लिए हो। अब तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद का बरसा ले रहे हो। तुम बच्चे आधा कल्प से परमपिता परमात्मा को याद कर रहे थे कि हे पतित पावन, आओ हमको पतित से पावन बनाओ। तो अब परमपिता परमात्मा आए हैं, तुमको स्वर्ग का बरसा दे रहे हैं। परमपिता परमात्मा स्वर्ग का बरसा देते हैं और रावण बरसा छीनते हैं। दुनिया वाले इस बात को नहीं जानते, इस बात को तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, कोई मनुष्य का नहीं। प्रजापिता ने यह यज्ञ नहीं रचा है, यह रुद्र यज्ञ है। ज्ञान सागर अथवा शिव ने यह यज्ञ रचा है। यज्ञ तो अनेक प्रकार के रचते हैं ना, जैसे दक्ष प्रजापति कहते हैं। अब दक्ष प्रजापति तो है नहीं, ब्रह्मा है प्रजापिता। दक्ष प्रजापति अक्षर नाम कहाँ से आया? बाप बैठ समझाते हैं, यह रंग बनाया हुआ है। अब परमपिता परमात्मा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ किसी मनुष्य द्वारा नहीं रचा गया है, ये यज्ञ मनुष्य का नहीं है, ये यज्ञ परमपिता परमात्मा द्वारा रचा गया है। अब शास्त्रों में दिखा दिया गया है कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा था, लेकिन दक्ष प्रजापति कैसे यज्ञ रचेंगे? ठीक है, यज्ञ तो परमपिता परमात्मा ने रचा है। यह सब शास्त्रों में गलत बताया हुआ है, शास्त्रों में लंबी चौड़ी कथाएँ लिख दी है। अब बाप कहते हैं, जो भी सुनते आए हो सब भूल जाओ, मैं जो तुमको सुनाता हूँ वह सुनो। प्रजापिता तो एक ही होगा ना, जो भी यज्ञ रचते हैं वह सब है मटेरियल यज्ञ, यह है रूहानी बाप का रूहानी यज्ञ। इसमें भी ब्राह्मण चाहिए, वह ब्राह्मण तो हैं कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। मुख वंशावली कब पुजारी हो ना सके, तुम पूज्य बनते हो, वह है पुजारी। तुम गायन लायक बनते हो, तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती। अगर देहधारी की पूजा करते हैं तो यह रांग है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जो मनुष्य यज्ञ रचते हैं वो मटेरियल का यज्ञ है, उसमें गुड़ घी आदि सामान लगते हैं, वो मटेरियल का यज्ञ है।
परम तु ये परम पिता परमात्मा द्वारा रचा गया यज्ञ ये रूहानी यज्ञ है। अब ब्राह्मण उस यज्ञ में भी चाहिए, ब्राह्मण इस यज्ञ में भी चाहिए, लेकिन जो यज्ञ लोगों के द्वारा रचा जाता है उस यज्ञ में कुख वंशावली ब्राह्मण होते हैं, लेकिन जो परमपिता परमात्मा द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा गया है इस यज्ञ में मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। जो कुख वंशावली ब्राह्मण होते हैं वो हमेशा पुजारी ही रहते हैं, वो कभी पूज्य नहीं बनते हैं, लेकिन मुख वंशावली वाले ब्राह्मण वो कभी पुजारी नहीं बनते हैं, वो हमेशा पूज्य बनते हैं। तो मुख वंशावली ब्राह्मण हैं पूज्य और कुख वंशावली ब्राह्मण हैं पुजारी, ठीक है। तुम मुख वंशावली ब्राह्मण गायन लायक बनते हो लेकिन तुम्हारी पूजा भी नहीं हो सकती। अगर देहधारी की पूजा करते हैं तो यह रांग है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जो अभी मुख वंशावली ब्राह्मण हैं वो गायन के लायक तो हैं, वो पवित्र हैं, 16 कला संपूर्ण बनेंगे या फिर बन रहे हैं या फिर बन गए हैं, तो जो मुख वंशावली ब्राह्मण हैं उनको गायन लायक हैं, उनको चारों तरफ मतलब गायन यानी बड़ाई करने के लायक हैं। जो मुख वंशावली ब्राह्मण हैं वो बड़ाई करने के लायक हैं, लेकिन जो कुख वंशावली ब्राह्मण हैं वो हमेशा पुजारी ही रहते हैं, वो हमेशा शरीरधारियों की पूजा करते रहते हैं। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम ब्राह्मण बच्चे गायन लायक हो लेकिन तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती, क्योंकि जो देहधारी की पूजा करते हैं वो गलत करते हैं, और तुम ब्राह्मण बच्चे देहधारी हो इसलिए तुम ब्राह्मण बच्चों की पूजा नहीं हो सकती है, पूजा केवल परमपिता परमात्मा की ही हो सकती है। तुम ब्राह्मण बच्चों की पूजा होगी लेकिन जब ये दुनिया पतित हो जाएगी तब पूजा होगी, और जो भले दुनिया पतित हो जाती है तब शरीरधारियों की पूजा करने लगते हैं, जब दुनिया पतित हो जाती है तो तुम ब्राह्मण बच्चों की पूजा करने लगते हैं, तो वो सब गलत है। पवित्र है ही सतयुग में देवताएं, हिंदुओं की रस्म रिवाज है, जो स्त्री को कहा जाता है कि पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है तो पति के चरण धोकर पीती है। आजकल तो यह रिवाज नहीं है, सिविल मैरिज में यह अक्षर नहीं निकालते हैं कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर आदि है, यह सब है ठगी। इसलिए चित्र भी ऐसा बनाया है कि लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही हैं, समझते हैं कि वह भी यह सब करती थी, हिंदू नारी को यह करना चाहिए। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि आजकल की पत्नियों को बता दिया जाता है कि पति तुम्हारा गुरु है, ईश्वर है, सब कुछ है, तो पत्नी पति के चरण धोकर पीती है। लेकिन धीरे धीरे हालांकि ये रिवाज खत्म हो रहा है, कोर्ट मैरिज जिसका होता है, जिसकी शादी कोर्ट मैरिज होती है, तो कोर्ट मैरिज में कभी ये कहा जाता है पत्नी को कि तुम्हारा पति तुम्हारा ईश्वर है गुरु है? नहीं नहीं, ये पत्नी को बता दिया जाता है कि पति तुम्हारा ईश्वर है, ये सब ठगी है। इसलिए चित्र भी ऐसा बना दिए हैं कि लक्ष्मी जी नारायण जी के पांव दबा रही हैं, तो ऐसा हिंदू ऐसा सोच लेते हैं कि अगर लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही हैं तो हमारी स्त्री भी क्यों नहीं दबाएगी, हिंदू नारी को ये क्यों नहीं करना चाहिए। अगर लक्ष्मी नारायण के बीच में ऐसा हो रहा है, लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही हैं, तो हिंदू नारी क्यों नहीं दबाएंगी। लेकिन परमपिता परमात्मा कहते हैं कि हाफ पार्टनर से यह धंधा कराया जाता है ना, हाफ पार्टनर से यह धंधा कराया जाता है क्या, किस्म किस्म के होते हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अगर मान लो किसी कंपनी में दो पार्टनर हैं तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से क्या पैर दबवाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पत्नी का पति गुरु कैसे हो सकता है, पत्नी का पति ईश्वर कैसे हो सकता है, वो तो दोनों पार्टनर हैं। तो जो रसम देखते हैं वह चित्र बना देते हैं। अब वहाँ ऐसे थोड़े ही हो सकता है जो लक्ष्मी बैठ नारायण के पाँव दबाएं, बाप कहते हैं मैं द्रौपदी के आकर पाँव दबाता हूँ। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि चित्र भले ऐसा बना दिए हैं कि लक्ष्मी नारायण के पैर दबा रही हैं, लेकिन तुम खुद सोचो कि कभी लक्ष्मी नारायण के पैर दबा सकती हैं? बाप कहते हैं मैं द्रौपदी के आकर पांव दबाता हूँ, उन्होंने फिर श्री कृष्ण का रूप दे दिया है, यह सब है व्यर्थ बातें। वहाँ राम को तो चार भाई होते नहीं, वहाँ बच्चा भी तो एक होता है, चार बच्चे कहाँ से आए? बाप कहते हैं मैं तुमको इन सब शास्त्रों का सार बताता हूँ, यह बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है,
तुम समझा सकते हो, बाप कहते हैं तुम जो यह कसम उठवाते हो वह झूठा उठवाते हो। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि आजकल जो कसम खाई जाती है, कसम उठवाई जाती है, वो सब झूठी है। अब कहते हैं कि गीता श्री कृष्ण ने गाई, हाथ में गीता उठाते हैं, फिर कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच बोलना, श्री कृष्ण भगवान को हाजिर नाजिर जान यह कह नहीं सकते, यह नहीं कहते। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम बच्चे कहते हो कि गीता श्री कृष्ण ने गाई, लेकिन जब कोर्ट में या फिर जहां भी कसम धराया जाता है तो कसम के समय हाथ में गीता लेकर के बोलवाया जाता है कि ईश्वर को साक्षी मान करके ये कसम खाओ। ऐसा नहीं कहा जाता कि श्री कृष्ण को साक्षी मान के ये कसम खाओ। इसलिए श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, ये बुद्धि से निकाल दो। जब कोर्ट में या फिर कहीं भी कसम खबाया जाता है गीता को उठवा करके, तो ये कभी नहीं कहा जाता कि श्री कृष्ण को साक्षी मान करके ये कसम खाओ। हमेशा ये बोला जाता है कि ईश्वर को साक्षी मान करके ये कसम खाओ। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण गीता के भगवान नहीं हैं। अगर तुम सोचते हो कि श्री कृष्ण गीता के भगवान हैं, तो ये अपनी बुद्धि से निकाल दो। झूठा कसम होने के कारण उनमें ताकत नहीं रही है। एक कुरेट है, एक धर्मराज, सुप्रीम जज वही सच्चा है। सतयुग में तो जज आदि होते नहीं, क्योंकि वहाँ कोई ऐसी बात नहीं होती। सब हिसाब किताब चुक तू कर वहाँ चले जाएंगे, फिर नए सिर सतो प्रधान सतो रजो तमो में आएंगे। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि आजकल की झूठी कसम हो गई है, इसलिए कसम में ताकत नहीं है। एक कुरेट है धर्मराज, सुप्रीम जज वही है। सतयुग में तो जज वो जो होते नहीं, जज मजिस्ट्रेट आदि सतयुग में होते नहीं, क्योंकि हिसाब किताब सब चुकतू करके सतयुग में जाते हैं, फिर धीरे धीरे सतो प्रधान से रजोतमो में आते हैं। हर एक वस्तु जो तुम देखते हो नई से पुरानी जरूर होती है, दुनिया भी नई से पुरानी होती है। यह पुरानी दुनिया है, परंतु कितने तक पुरानी है यह किसी को पता नहीं है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अगर तुम बच्चे कुछ भी वस्तु देख लो, अगर वो आज नई है तो कल पुरानी होगी ही होगी। तो ऐसे ही दुनिया कभी नई थी, अब पुरानी हो गई है, लेकिन किसी बच्चे को ये पता नहीं है कि ये कितनी पुरानी दुनिया हो गई है। अब दुनिया को चार भागों में बांटा जाता है, ये इसे चार युग कहा जाता है। पहले नया, फिर चौथा पुराना, फिर आधा पुराना, फिर सारा पुराना हो जाता है, बिल्कुल ही टूटने के लायक हो जाता है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है, अभी तुम हो अंत में। अंतिम जन्म में तुम बाप से वर्षा पाते हो 21 जन्मों के लिए। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अब ये दुनिया बिल्कुल पुरानी और पतित हो गई है। अभी तुम बच्चे बिल्कुल कल्प के अंत में बैठे हो। तुम बच्चे अंतिम जन्म में बाप से वर्षा पाते हो 21 जन्मों के लिए। सतयुग त्रेता में 21 जन्म, द्वापर कलयुग में 63 जन्म क्यों होते हैं? क्योंकि पतित बनने से आयु कम हो जाती है। परमपिता परमात्मा बताते हैं कि 5000 वर्ष का एक कल्प होता है। सतयुग और त्रेता में तुम्हारे 21 जन्म होते हैं और द्वापर कलयुग में 63 जन्म होते हैं। अब द्वापर कलयुग में ज़्यादा जन्म क्यों होते हैं? क्योंकि तुम पतित बन जाते हो और तुम्हारी आयु कम हो जाती है। आधा कल्प आयु बड़ी होती है, मतलब सतयुग जितने साल का सतयुग होता है, उतने साल का त्रेता, उतने साल का द्वापर, उतने साल का कलयुग, चारों युग समान एज के होते हैं। लेकिन सतयुग और त्रेता में मिलाकर हम लोगों का 21 जन्म होता है और द्वापर और कलयुग में मिलाकर के 63 जन्म होते हैं, क्योंकि सतयुग और त्रेता में हमारी उम्र लंबी होती है, हम पवित्र होते हैं, और द्वापर और कलयुग में आकर के हम पतित बन जाते हैं, इसलिए हमारी उम्र कम हो जाती है। इसलिए द्वापर और कलयुग में हम 63 जन्म लेते हैं। अभी तुम योग सीखते हो, तुम बच्चे यहाँ योग व याद सीखने नहीं आए हो। यहाँ तुम बच्चे आते हो सम्मुख मुरली सुनने। मुरली तो बहुत प्यारी लगती है, योग तो तुम कहाँ भी बैठकर कर सकते हो। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि यहाँ तुम बच्चे योग लगाने नहीं आए हो, यहाँ तुम बच्चे मुरली सीखने आए हो। सेंटर में तुम बच्चे मुरली सुनने आए हो। योग तो तुम घर में भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। स्टूडेंट के इम्तहान का जब टाइम होता है
तो कहाँ भी होंगे बुद्धि में इम्तहान की ही बातें घूमती रहेगी। यहाँ तुम्हारी पढ़ाई और योग इकट्ठे हैं, पढ़ाने वाले को भी याद करना पड़े। बाप कहते हैं मम एकम याद करो, भूल से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। सन्यासी आदि तो श्री कृष्ण को याद करते नहीं हैं, बाकी किसने कहा मन मना भव। तत्व ब्रह्मा तो कह नहीं सकता। बाप इस मुख का आधार लेकर कहते हैं कि बच्चे मम एकम याद करो, यह सब पॉइंट बुद्धि में धारण करनी होती है, फिर समझाना होता है। कांग्रेसी लोग कितना आवाज से बोलते थे, उन्हों का लीडर था बापूजी, वह था जिस्मानी बापूजी, यह है रूहानी बाप। सभी का बाप तो गांधी जी हो ना सके, शिव बाबा तो सबका बाप है ना। ब्रह्मा भी बाप है जरूर, परंतु इस समय सिर्फ तुम जानते हो, सारी दुनिया तो नहीं मानेगी क्योंकि समझते ही नहीं। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि कांग्रेसी लोग कितना आवाज से बोलते थे, क्योंकि उनका लीडर था, उनका मुखिया था बापूजी, महात्मा गांधी जी, लेकिन वो जिस्मानी बापूजी थे, शरीर के बाप थे। महात्मा गांधी कांग्रेस के शरीर के बाप थे, ये परमपिता परमात्मा है आत्मा का बाप। अब महात्मा गांधी तो सभी के बाप हो नहीं सकते, शिव बाबा ही सबका बाप है। हालांकि ब्रह्मा भी सबका बाप है, लेकिन इस बात को तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो, दुनिया नहीं जानती है क्योंकि एग्जाम को नहीं जानती, समझते ही नहीं है। यहाँ हम बापू निराकार शिव बाबा को कहते हैं, वह सभी का बाप है। बच्चों को कितनी पॉइंट समझाते हैं, कभी आत्मा पर, कभी परमात्मा पर, कभी शास्त्रों पर, ढेर के ढेर भारत में शास्त्र है, और धर्म वालों का तो एक ही शास्त्र होता है, यहाँ तो अनेक शास्त्र हैं। फॉलोवर भी जो कुछ सुनते सत सत करते रहते हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि धर्म का तो एक ही शास्त्र होना चाहिए, एक धर्म का एक ही शास्त्र होता है, लेकिन यहाँ तो भारतवासियों ने कितने शास्त्र वेद बना दिए हैं। और शास्त्र वेद जब मनुष्य को सुनाया जाता है, जब गुरु लोग अपने चेला को शास्त्र वेद सुनाते हैं, तो चेला कहते हैं हाँ गुरु बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ये सब सही बातें हैं, लेकिन एम ऑब्जेक्ट उनका कुछ भी नहीं है, सुनने का उद्देश्य कुछ भी नहीं है। शास्त्र सुनते हैं हम गुरु के द्वारा, भागवत हम गुरु के द्वारा सुनते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य कुछ भी नहीं रहता सुनने का, ठीक है। तो धर्म का केवल एक ही शास्त्र होता है, ये इतने सारे शास्त्र बना दिए हैं, ये सब गलत है। और इतने शास्त्र को गुरु सुनाते हैं और चेला कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है गुरु जी। जैसे राधा स्वामी पंथ है, अब नाम तो रखा है राधा स्वामी, राधे का स्वामी तो श्री कृष्ण है। वास्तव में जिस रूप से भारतवासी श्री कृष्ण को समझते हैं वैसे है नहीं, राधे तो कुमारी है, श्री कृष्ण कुमार हैं, फिर कृष्ण का स्वामी कैसे कहेंगे। जब स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बने तब स्वामी कहा जाए। एक है राधा स्वामी पंथ, राधा स्वामी मतलब ऐसे ही एक आश्रम ही समझ लो, पंथ है राधा स्वामी पंथ, यानी जो लोग उसको फॉलो करते हैं तो उसी के हिसाब से चलते हैं, राधा स्वामी पंथ के कुछ नियम हैं, उस नियम को फॉलो करो तो उसमें जुड़ जाओ। ऐसे ही एक राधा स्वामी पंथ है, तो राधा स्वामी यानी राधा का स्वामी श्री कृष्ण बनाया गया है, लेकिन राधा का स्वामी श्री कृष्ण कैसे हो सकता है। राधा भी कुमारी है, श्री कृष्ण भी कुमारे हैं, तो राधा का स्वामी श्री कृष्ण कैसे होंगे। जब स्वयंवर हो जाता है तब तो लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं, हाँ तब लक्ष्मी के स्वामी नारायण हो जाते हैं। छोटेपन में आपस में खेल पाल करते हैं तो वह कोई पक्का स्वामी थोड़े ही हुआ, बहुत हैं जो सगाई को भी तोड़ देते हैं। अब लक्ष्मी नारायण तो दिखाते हैं, परंतु नारायण के बाप का नाम क्या है कभी बता ना सके। श्री कृष्ण के माँ बाप को दिखाते हैं, राधे और श्री कृष्ण दोनों के माँ बाप अलग अलग हैं, राधे और जगह की थी, श्री कृष्ण फिर और जगह का था। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि दिखाया गया है कि राधे का स्वामी श्री कृष्ण है, यानी राधे का पति श्री कृष्ण है। अरे राधे भी कुंवारी थी, श्री कृष्ण भी कुंवारे थे, तो राधे का स्वामी कृष्ण कैसे हो सकते हैं, राधा का स्वामी श्री कृष्ण कैसे हो सकते हैं। छोटे में आपस में जो खेल कर रहे हैं, आपस में जो खेल रहे हैं, वो एक दूसरे के पति कैसे हो सकते हैं। मतलब
राधा के पति श्री कृष्ण कैसे हो सकते हैं? जब इनका स्वयंवर हो जाता है राधे कृष्ण का, तब तो ये लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। हाँ, लक्ष्मी का पति नारायण हो सकता है, लेकिन राधे का पति कृष्ण कैसे हो सकते हैं? ये तो दोनों कुमार हैं, श्री कृष्ण भी कुमार हैं और राधे भी कुमार हैं। जब इन दोनों की शादी हो जाती है तब ये लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि लक्ष्मी का स्वामी नारायण। अब किसी से ये पूछो कि लक्ष्मी नारायण के पिता का क्या नाम था, तो नारायण के पिता का कोई नाम नहीं बताता। अगर श्री कृष्ण के नाम पिता का नाम पूछो तो श्री कृष्ण के पिता का नाम सब बता देते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ही आगे चल के नारायण बन जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के पिता का नाम है और नारायण के पिता का नाम नहीं दिया गया है। राधे और श्री कृष्ण दोनों के माँ बाप अलग हैं। राधे और जगह की थी, श्री कृष्ण और जगह के थे। सतयुग की बातों का सारा अगड़म बगड़म कर दिया है। लक्ष्मी नारायण के माँ बाप का नाम कहाँ, नारायण का बर्थ कहाँ, यह कोई भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि ये शास्त्रों में सब अगड़म बगड़म कर दिए हैं, इधर का उधर कर दिए हैं। अब किसी से लक्ष्मी नारायण के माँ बाप का नाम पूछो तो वो नहीं जानते लक्ष्मी नारायण का माँ बाप का नाम। लक्ष्मी नारायण का जन्म स्थान कहाँ है ये भी नहीं जानते, लेकिन श्री कृष्ण के माँ बाप का नाम, श्री कृष्ण का जन्म स्थान, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि श्री कृष्ण ही, राधा ही आगे चल के लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। जब ये कृष्ण और राधा छोटे होते हैं, कुमार कुमारी होते हैं, तब ये श्री कृष्ण राधा कहलाते हैं, और जब ये बड़े हो जाते हैं, इनका स्वयंवर हो जाता है, तब ये लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। इसलिए राधे का स्वामी श्री कृष्ण नहीं हो सकता, लक्ष्मी का स्वामी नारायण हो सकता है। ठीक है, ये कोई भी नहीं जानता कि राधे कृष्ण ही आगे चल के लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में कितनी बड़ी सामग्री है। एक ज्ञान में तो सिर्फ बीज को जानना होता है, बीज के ज्ञान से सारा झाड़ झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान है जो परम धाम में रहते हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अगर किसी का बीज तुम देख लोगे, बीज को पहचान लोगे, तो तुमको मन में आ जाएगा कि इसका पेड़ कैसे होगा। अगर तुम आम का बीज देखोगे तो तुम्हारे मन में आ जाएगा कि इसका पेड़ कैसे होगा, पत्ता कैसे होगा, सब समझ में आ जाएगा। उसी तरह अगर तुम परमपिता परमात्मा को जान जाओगे, ऊंचते ऊंच भगवान को जान जाओगे जो परम धाम में रहते हैं, तो सबको जान जाओगे। वहाँ तो सभी आत्माएँ रहती हैं। सूक्ष्म वतन में तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा और विष्णु तो पुनर्जन्म में आते हैं, बाकी शंकर नहीं आता। जैसे शिव बाबा सूक्ष्म है, वैसे शंकर भी सूक्ष्म है, तो उन्होंने फिर शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है। परम धाम में सभी आत्माएं जाती है, परम धाम में परमपिता परमात्मा रहते हैं, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु और शंकर रहते हैं। ब्रह्मा और विष्णु तो पुनर्जन्म में आते हैं, लेकिन शंकर पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। जैसे शिव बाबा सूक्ष्म है, वैसे शंकर भी सूक्ष्म है। मतलब ब्रह्मा भी तन में आते हैं और विष्णु भी तन में आते हैं, लेकिन शंकर जन्म में नहीं आते। ठीक है, जैसे शिव बाबा जन्म में नहीं आते, वैसे शंकर भी जन्म में नहीं आते। जैसे शिव बाबा सूक्ष्म हैं, वैसे शंकर भी सूक्ष्म हैं। इसलिए शिव और शंकर को लोगों ने इकट्ठा कर दिया है, परंतु हैं तो अलग अलग ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, फिर शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु हो जाता है, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना और विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश करवाते हैं। जो अभी ब्रह्मा होता है वही आगे चल के विष्णु बन जाता है, जो अभी सरस्वती होती हैं वही आगे चल के लक्ष्मी बन जाती हैं। ठीक है, मतलब ब्रह्मा सरस्वती से लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ततस्वम तुम भी देवता घराने के हो ना, तो बाप तुम्हें सब राज समझाते रहते हैं। बाकी धारणा करने वाले नंबर 12 हैं, जिसने जो पदकल्प पहले पाया था वही पुरुषार्थ चल रहा है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम बच्चे देवता घराने के हो, इसलिए मैं तुमको ये एग्जाम दे रहा हूँ।
जिनको ज्यादा समझ में आता है वो ज्यादा पद पाने वाले हैं। सब में नंबर बार है ना, जिसने जो कल्प पहले पद पाया था वो फिर वही पद पाएगा। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध बन ना सके। अगर तुम पुरुषार्थ नहीं करोगे तो तुम्हारी शुरुआत अच्छी नहीं बनेगी। पुरुषार्थ से समझा जाता है कि कल्प पहले भी इसने इतना किया था। अगर तुम अभी अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो तो इसका मतलब कल्प पहले भी तुम अच्छा पुरुषार्थ किए थे। अभी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है। रुद्रमाला विष्णु की माला गाई जाती है, बाकी ब्राह्मणों की माला है नहीं, क्योंकि पुरुषार्थी हैं। ठीक है, रुद्रमाला विष्णु की माला गाई जाती है, बाकी ब्राह्मणों की माला है नहीं, क्योंकि पुरुषार्थी हैं। आज अच्छा चलते हैं, कल माया का घूंसा लग पड़ता है। रुद्रमाला बनने से फिर ट्रांसफर हो जाएगी। ब्राह्मण तो पुरुषार्थी हैं, आज अच्छे चलते हैं तो कल फिर गिर पड़ते हैं, तो माला बन न सके। आगे माला बनती थी, फिर 3-4 नंबर में आने वाले आज हैं नहीं। यह है युद्ध का मैदान ना। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में भी रुद्रमाला विष्णु की गाई जाती है, विष्णु की रुद्रमाला गाई जाती है, ब्राह्मणों की कोई माला नहीं है। क्योंकि आज तुम ब्राह्मण बने हो, कल तुम्हें माया का घूंसा लग जाता है तो तुम माला से बाहर हो जाओगे। आज तुम एग्जाम में हो, कल एग्जाम से बाहर हो जाते हो, इसलिए तुम्हारा माला नहीं बनता है। आगे माला बनती थी, फिर तुम्हारी माला अगर बन जाएगी तो 3-4 नंबर वाले मड़के का पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए, उनमें माया का घूंसा लग जाता है। तो ये युद्ध का मैदान है। कुछ भी बात समझ में ना आए तो पूछो, क्योंकि तुमको औरों को भी समझाना है। कच्चे जो हैं वह मूझ पड़ते हैं, ब्राह्मणों में भी नंबर बार हैं। कोई कोई तो पूछते भी हैं कि बाबा ने समझाया है माया के तूफान बहुत आएंगे, तो हम उन पर विजयी कैसे बने? अनुभवी टीचर ना हो तो कैसे समझा सकेगी? परमपिता परमात्मा कहते हैं कि ये युद्ध का मैदान है। अगर तुम्हें कुछ बात समझ में नहीं आती तो तुम उसे पूछो, उसे समझो, क्योंकि तुमको और लोगों को भी तो समझाना है। जो बच्चे कच्चे हैं तो वो थोड़े से में मूझ पड़ते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों में भी नंबर बार है। सभी उच्च कोट के ब्राह्मण नहीं बनते, मुख वंशावली ब्राह्मण भी सब उच्च कोट के नहीं बनते, उसमें भी नंबर बार है। कोई कोई तो कहते हैं कि बाबा ने समझाया है कि माया के तूफान बहुत आएंगे, लेकिन हम उन माया पर विजय कैसे पाएं? तो जो अनुभवी टीचर होगा वो समझा पाएगा। अगर अनुभवी टीचर ना हो तो कैसे समझा पाएगा? बाप समझाते हैं, यह माया के तूफान स्वप्न आदि सब आएंगे, जब तक एक जान की पूरी पराकाष्ठा आ जाए, कर्मातीत अवस्था हो, इस समय तो बहुत आएंगे। ठीक है, परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जब तक तुम में पूरी तरह एक जान नहीं आएगा, जब तक तुम में संपूर्ण ज्ञान नहीं आएगा, तब तक तुम्हारे पास माया के तूफान, माया के स्वप्न आदि सब आएंगे। ठीक है, बूढ़ों को और ही जवान बना देंगे, नई नई आशाएं प्रकट करेंगे। तुम कहेंगे आगे तो कभी ऐसे ख्याल भी नहीं आते थे। अरे युद्ध के मैदान में तो तुम अभी आए हो। वैद्य लोग कहते हैं कि इस दवाई से बीमारी सारी बाहर निकलेगी, तो बाबा अनुभवी है, सब कुछ बतलाते रहते हैं, इससे जरा भी डरना नहीं है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुमको माया से लड़ाई करनी है। भले तुम बूढ़े हो, लेकिन शरीर से बूढ़े हो, तुम एग्जाम में आकर के जवान बन जाते हो, माया से लड़ाई करने लायक बन जाते हो। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि वैद्य लोग कहते हैं कि इस दवाई से बीमारी सारी बाहर निकलेगी, तो बाबा अनुभवी हैं, सब कुछ बतलाते रहते हैं, इससे जरा भी डरना नहीं है। कहते हैं एक जान में आने से तो पता नहीं क्या हो गया है, इससे तो भक्ति अच्छी। बाबा तो कहते हैं भल जाओ भक्ति में, वहाँ तुमको यह तूफान नहीं आएंगे। बाबा तो सब बातें समझाते हैं, रोज सुनने वालों की बुद्धि में पूरी धारणा होगी। कुछ बच्चे कहते हैं, जिनको पूरी तरह ज्ञान समझ में नहीं आता, वो बच्चे कहते हैं कि हमारी तो भक्ति सही थी, ये ज्ञान मार्ग ठीक नहीं है, ये बाबा का श्रीमत सही नहीं है, हमारी तो भक्ति अच्छी थी। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति अच्छी थी तो जाओ भक्ति में, हमको क्या करना है।
तुम भक्ति में माया के तूफान, तुम भक्ति में रहोगे तो तुम्हारे अंदर माया के तूफान नहीं आएंगे। तुम जब भक्ति में रहोगे तो तुम्हारे ऊपर माया के तूफान नहीं आएंगे, लेकिन उस भक्ति से तुम कभी सुख भी नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे अंदर माया के तूफान तो आएंगे, लेकिन माया के तूफान से अगर तुम जीत लोगे तो 21 जन्मों का राज्य पाते हो। मुख्य है ही नाले जिसे काम, फिर भल कहाँ भी जाओ, मुरली तुमको मिलती रहेगी। मुरली पढ़ने की मिलिट्री में भी मना नहीं हो सकती। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम पहले नॉलेज लो, एग्जाम लो, फिर कहीं भी रहो, मुरली तुमको मिलती रहेगी। फौज वाले भी मुरली पढ़ सकते हैं, मिलिट्री में भी मुरली सुनने की मना नहीं रहेगी। मिलिट्री को कोई ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि बाइबल व ग्रंथ आदि नहीं पढ़ो, सब पढ़ते हैं, उन्हों के मंदिर भी होते हैं, तो मुरली कहाँ भी मिल सकती है। जो मिलिट्री में होते हैं, फौज में होते हैं, तो उनको ये थोड़ी कहा जाता है कि तुम बाइबल गीता ग्रंथ ना पढ़ो, वो सब पढ़ते हैं, तो उनके मंदिर भी होते हैं, तो तुम बच्चे मिलिट्री में होते हुए भी मुरली पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर भी लक्ष्य तो मिला हुआ है ना, मुख्य बात है ही बाप का परिचय देना। पहले तो निश्चय बैठे कि हमको पढ़ाने वाला नॉलेज फुल गॉड फादर है, तब और बातों को समझ सकेंगे। गॉड फादर कैसे आकर पढ़ाते हैं यह किसी को पता नहीं है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अगर तुम किसी को एग्जाम देते हो तो पहले उसको ये समझाओ कि हमको पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है, तब आगे की बात उसको समझ में आएगी। अब गॉड फादर परमपिता परमात्मा कैसे पढ़ाते हैं यह किसी को पता नहीं है। लिखा हुआ भी है भगवान अनुवाच, उनका नाम शिव है, परम आत्मा है ना, परम अर्थात सुप्रीम। परम धाम में तो सब रहते हैं, आत्माओं में भी सुप्रीम पार्ट तो किसका होगा ना। उनको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है। वह है रचयिता, करण करावन हार, फिर पार्टधारी भी है। परमपिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, अब आत्माओं के वो बाप हैं, आत्माओं में भी वो सुप्रीम आत्मा हैं, परम आत्मा हैं। उनको क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कहा जाता है। परमपिता परमात्मा हैं रचयिता, करण करावन हार, लेकिन फिर भी परमपिता परमात्मा का भी पार्ट है संगम युग में, वो पार्टधारी भी हैं। इसमें आकर कितना पार्ट बजाते हैं जिससे भारत स्वर्ग बनता है। ऊंचते ऊंच बाप शिव बाबा आया, क्या आकर किया कुछ भी नहीं जानते, कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। परमपिता परमात्मा का भी संगम युग में पार्ट है। परमपिता परमात्मा आकर के भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अब ऊंचते ऊंच शिव बाबा आया और आकर यहाँ क्या किया कुछ बच्चे जानते नहीं हैं, क्योंकि बच्चे कल्प की आयु ही लंबी कर दिए हैं। बोलते हैं 4 लाख 5 लाख है कल्प की आयु, 5 लाख वर्ष है कल्प की आयु, ऐसा बोलते हैं, इसलिए उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। बाप कहते हैं मुझे आना ही है कलयुग अंत और सतयुग आदि में। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पावन दुनिया थी, हम सो पावन फिर हम सो पतित, चढ़ती कला उतरती कला कैसे होती है, अभी यह सब तुम्हारी बुद्धि में है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पावन दुनिया थी, अब हम पतित बन गए हैं, हम ही बच्चे पावन थे, हम ही बच्चे अब पतित बन गए हैं, ठीक है। कैसे हमारी कला चढ़ती है, कैसे हमारी कला उतरती है, ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप कहते हैं बच्चे सबको बाप का परिचय देते रहो। बाप जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। भारत को थी अब नहीं है, इसलिए भगवान को आना ही पड़ता है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम बच्चे सभी को बाप का परिचय दो और सबको बताओ कि बाप का स्वर्ग, सब बच्चों को तुम बच्चे बताओ कि जब बाप स्वर्ग का रचयिता है तो हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। जब हमारा बाप स्वर्ग का रचयिता है तो हम उसके बच्चे हैं, तो हमको स्वर्ग की बादशाही क्यों नहीं मिल रही है। बाप का सामान तो बच्चों को मिलना चाहिए, तो जब बाप स्वर्ग का रचयिता है तो हमको स्वर्ग की बादशाही क्यों नहीं मिल रही है। तो भारत
अब परमपिता परमात्मा आए हैं हमको स्वर्ग की बादशाही देने, क्योंकि हम लोग पतित बन गए थे और स्वर्ग की बादशाही हम पतित बनकर ले नहीं सकते, इसलिए हमको परमपिता परमात्मा पावन बना करके स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं। भारत ही शिव बाबा का जन्म स्थान है, आकर तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब तुम भूल गए हो। भूल और अभूल का यह खेल है, इस नॉलेज को भूलने से फिर उतरती कला होती है, एक सेकंड में जीवन मुक्ति चढ़ती कला। जीवन बंध में कितना समय लगा, यह बातें शास्त्रों में थोड़े ही है, जनक की बात है ना। बाप कहते हैं जो भी कुछ पढ़ा है वह सब भूल जाओ, बाप टीचर सतगुरु मैं ही हूँ, 21 जन्मों का तुमको वर्षा देता हूँ, फिर भी अहो मम माया तुम कब्रिस्तानी बना देती हो। शिव बाबा परिस्तानी बनाते हैं, माया बहुत बच्चों को धोखा देती है, क्योंकि श्रीमत पर ठीक रीत नहीं चलते। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जो तुम अभी तक शास्त्र वेद पढ़े हो उसका एग्जाम सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि तुमको टीचर सतगुरु परमपिता परमात्मा पढ़ा रहा है 21 जन्मों का वर्षा देने के लिए, ठीक है। तुमको माया कब्रिस्तानी बना देती है, लेकिन शिव बाबा आ करके परिस्तानी बनाते हैं। माया बहुत बच्चों को धोखा भी देती है, क्योंकि बच्चे श्रीमत पर ठीक रीत से नहीं चलते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है मुरली रोज जरूर पढ़नी है, माया के तूफानों से डरना नहीं है, किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए श्रीमत लेते रहना है। दूसरा है पढ़ाई और योग दोनों इकट्ठा है, इसलिए पढ़ाने वाले बाप को याद करना है, निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है, बाप का ही परिचय सबको देना है। वरदान है अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी वह है जो अकाल तख्त नसीन अर्थात स्वराज्य अधिकारी और बाप के बरसे के राज भाग्य अधिकारी है, जो सदा अकाल तख्त पर बैठकर कर्म करते हैं। उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि सभी कर्मेंद्रियां लॉ और आर्डर पर रहती हैं। अगर कोई तख्त पर ठीक ना हो तो लॉ और आर्डर चल नहीं सकता, तो तख्तानसीन आत्मा सदा यथार्थ कर्म और यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली होती है, उसे खुशी भी मिलती है तो शक्ति भी मिलती है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जो स्वराज्य का अधिकारी है, बाप के बरसे का अधिकारी है, उसके सभी कर्म श्रेष्ठ होते हैं, उसकी सभी कर्मेंद्रियां, उसकी सभी ज्ञानेंद्रियां परमपिता परमात्मा के आर्डर को मानती हैं, ठीक है। स्लोगन है ब्रह्मा बाप के प्यारे वह हैं जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है, जो ब्राह्मण की संस्कृति से प्यार करते हैं वो ब्रह्मा बाप के प्यारे हैं, ठीक है। जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है, जिनका ब्राह्मण संस्कृति से प्यार है, वो बच्चे परमपिता परमात्मा को प्यारे हैं, ब्रह्मा को भी प्यारे हैं, ठीक है। अगर आज की मुरली आपको अच्छे से समझ में आ गई तो कमेंट में ओम शांति लिखना ना भूलें, और पर डे की मुरली ऐसे ही पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम शांति।